कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता जाने के बाद ट्विटर अकाउंट का बायो बदल दिया है। राहुल गांधी ने डिस्क्वालिफाइड सांसद लिखते हुए अपना ट्विटर अकाउंट का बायो बदल दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल में स्वीकार किया है कि वो पूर्व सांसद हो गए हैं। कोर्ट के फैसले को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और कोर्ट के फैसले के स्वीकार करने के बाद में सत्याग्रह आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2013 में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के द्वारा अपने ही सरकार के मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाए गए जो कागज को फाड़ने का काम किया था और फाड़ने के कारण में अध्यादेश को फाड़ने के कारण में जनप्रतिनिधित्व कानून में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होगी तो उनका सदस्यता समाप्त हो जाएगी और इसी आधार पर लोकसभा सचिवालय के द्वारा सदस्यता उनकी समाप्त की गई है। मुझे लगता है कि वो कोई एजेंसी की बात करते हैं, कोर्ट कोई एजेंसी नहीं है। कोर्ट जो है वो न्यायालय है, संवैधानिक है, इसलिए उस निर्णय को चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। आरोप लगाने के बजाय स्वीकार करना उनके हित में है और कांग्रेस के हित में है। पहली बार सदस्यता समाप्त नहीं हुई है, इसके पहले लालू यादव की सदस्यता समाप्त हुई है। यूपी में आप देखे हैं आजम खान उनके पुत्र की सदस्यता समाप्त हुई है। कोर्ट के द्वारा ही श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है और आज अनेक ऐसे उदाहरण।